हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरा क्लास 10th के मैथ है, जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति 7.1 है प्रश्नावली, जिसे हम 8वां क्वेश्चन लिए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन वो हम लिए हुए हैं क्वेश्चन को। तो मेरा क्वेश्चन है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कोई बिंदु पी है, यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम पी है, यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम Q है। P बिंदु का निर्देशांक क्या है? 2, -3। 2, -3 और Q बिंदु का निर्देशांक है 10, y। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकलना है, एक के दोनों बिंदु के बीच की दूरी, सॉरी, दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है। दूरी कितना दिया हुआ है? ये दूरी है P और Q बिंदु के बीच की दूरी है 10 मात्रक, इतना दिया हुआ है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, इसमें y का मान हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि y का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ दूरी सूत्र होता है मेरा, PQ के बीच की दूरी लिखेंगे। PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी, तो मेरा दूरी सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया, यानी कि मेरा x1 है, y1 है। चलिए हम लिख देते हैं x1, y1, ये है x2, y2। ये हो गया, यानी कि x1, y1 और x2, y2। तो मेरा सूत्र क्या है? x2 - x1। तो x2 है 10 और x1 है 2, यानी कि 10 - 2। यहाँ पे लिखेंगे 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि y2 मेरा y है, y1 मेरा -3 है, तो y - -3। यहाँ पे लिखेंगे y और घटाओ -3 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हम बना दिए हैं। इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? इसके बीच की दूरी मेरा 10 मात्रक है, तो बराबर हम 10 मात्रक लिख देते हैं। PQ के बीच की दूरी क्या है? 10 है। ये भी हम लिख देते हैं 10 = 10। ये हो गया, यानी कि 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 के हम स्क्वायर लिखेंगे प्लस y + 3 बराबर 10। ये हो गया, इधर रूट है तो इधर रूट इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर चल जाएगा, तो इधर हम हटा देते हैं, यानी कि 8 के स्क्वायर हम 64 लिख देते हैं प्लस y + 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर 10। और इधर रूट है तो इधर क्या आ जाएगा? इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 64 + a + b का होल स्क्वायर। हम सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नहीं मालूम है तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² ये मेरा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम इसको बिठाएंगे, a² + 2ab + b² बराबर 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये हो गया, 64 + y² + 3 × 6y + 3 के स्क्वायर 9 बराबर 100 हो गया, यानी कि 9 × 4 = 13 73 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 13 64 और 9 = 73 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 73 + y² + 6y बराबर 100, यानी कि y² + 6y = 100। और ये प्लस के 73 इधर गए तो -73 हो जाएगा, लिखेंगे y² + 6y, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 7। नौ में से 7 घटेगा 2, यानी कि 27 हो गया। चलिए हम दूसरा हम पेज लेते हैं,
तो ये मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और 27 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में 27 हो जाएगा बराबर 0। और हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे यानी कि यहाँ पे एक है तो एक में हम 27 से गुना करेंगे तो 27 होगा और 27 को गुणनखंड करते हैं और जोड़ने घटाने पर हमको 6 आना चाहिए। इसको लिखते हैं 3 से, 3 3 9, फिर हम 3 से लगाते हैं 3 3 9 यानी कि 27 का मेरा गुणनखंड ये हो गया 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 3 27 और 9 में से 6 घटाएंगे तो मेरा 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 भी हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस के 3y और माइनस 27 बराबर 0, ये हो गया। और ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हम निकालेंगे तो y स्क्वायर है तो y हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच गया y प्लस 9 माइनस 3, दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे प्लस के 9 बराबर 0। दोनों पार्ट में देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों पार्ट में मेरा कॉमन है y प्लस 9 तो y प्लस 9 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 3 तो y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 हम देंगे y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया। तो y बराबर प्लस के 9 इधर गया तो माइनस के 9, y बराबर प्लस के 3 इधर गया माइनस के 3 इधर गया तो प्लस के 3, यानी कि y के दो मान आ गया, y बराबर हो गया माइनस 9, 3। ये मेरा आंसर है, इसका दो मान है, दो आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे y का मान मेरा 2 है तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 9 y बराबर हो जाएगा माइनस के 9, 3, ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।